अम्मा जब सास ससुर लेने आए थे तो भेज दिया होता साथ, इतने नखरे दिखाने और शरारत रखने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी है ना, मुझे सब पता है उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यही तो परेशानी है, अगर तुम्हें पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो नौबत यहां तक ना आती। जरबाब से शादी मैंने करवाई थी, उसने मेरी मर्जी से शादी की थी, जरबाब से अपनी मर्जी से की थी, वो जाने जरबाब जाने। झूठ का रास्ता तो तुम्हीं ने सिखाया है ना बख्तियार, मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि किरण क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उसने जो भी झूठ बोले अपनी मर्जी से बोले, इसने लाख समझाया था उसे, लेकिन कमबख्त ने मेरी एक बात नहीं मानी। तो छोड़ दो उसे उसके हाल पे, उसकी जिंदगी है, करने दो जो करती है, क्यों पड़ रही है उसके पीछे? कैसे छोड़ दूं? इकलौती बेटी है मेरी, कैसे उसे रुलने के लिए छोड़ दूं? अच्छे भले शरीफ और खानदानी लोग हैं, खुद लेने आए थे और तुमने। खबरदार उनकी ज्यादा तरफदारी मत करो, मैं जानती हूँ वो कितने अच्छे और कितने बुरे, ऊपर से अच्छे हैं अंदर से घुन्ने मीसने हैं वो। मैंने एक बात सोच ली है, अब जब तक जरबाब इस घर में खुद नहीं आएगा, आके फैसला नहीं करेगा, मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। फैसला? कैसा फैसला? मुझे किरण के नाम कुछ जायदाद करवानी है और बहुत सारी और शर्तें वो भी मनवानी है। खुदा का वास्ता है अम्मा, ऐसी कोई हिमाकत ना करना। अगर उन्होंने तुम्हारी शर्तें ना मानी और अपनी बात से पीछे हट गए तो तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी यहां बैठी रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकोगी तुम। तू फिक्र ना कर, तेल देख और तेल की धार देख, करती क्या है तेरी माँ। लगता है तुमने जिद पकड़ ली अम्मा और ठान लिए कि अपनी जिद मनवा के ही दम लोगी, तो ठीक है मनवाओ अपनी जिद, चाहे तुम्हारी बेटी का घर ही क्यों ना उजड़ जाए। तेरे मुंह में खाक, अभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया कर। सारी गड़बड़ खुद करती है, जब देखो हाथ चलाती रहती है। ओ भाई, इन हालात में बच्चे का सोच कैसे सकते हो तुम लोग, पहले ही अखराजात इतने, ऊपर से तू कोई काम धंधा करता नहीं है। तो क्या करूं मैं, हाँ क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। क्यों भाई, दिमाग खराब हो गया उसका? आई बच्चे को संभालेगी या अम्मा को संभालेगी? इतनी मुश्किल से दो चार ट्यूशन हाथ आई है, वो भी चली जाएंगी, कमाएगा कौन? वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे अब्बा को कि एक घर और दो दुकानें हमारे पल्ले छोड़ गए, वरना हम तो एक एक निवाले को मोहताज हो जाते, तुझसे तो काम होता ही नहीं है वैसे। हेलो, एक बात तो बता, ये ताने देने के अलावा दुनिया में कोई काम है तेरे को? तेरा छोटा भाई हूं, तेरा बाप नहीं जो पैसे कमा कर ला कर दूंगा। और वाकई उसे बहुत समझाया मैंने, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे उजाला, मत कर मत कर, लेकिन वो अपनी बात पर अटल है। दो चार पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, खुद को पता नहीं बहुत बड़ी चीज समझती है। बात सुन, तू यहाँ पे ना चाय के घूंट भरता रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, निकम्मा। तेरे को ज्यादा जलन हो रही है तो तू भी पी ले आके, बड़ी आई है।